इस सिचुएशन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जो संयुक्त किसान मोर्चा जो मेजर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है इस किसान प्रोटेस्ट का, उनसे संवाद स्थापित किया और हम लोग लगभग 5 से 6 बार इनसे मैराथन काफी लंबी बातचीत की। गणतंत्र दिवस समारोह को जिस तरह से फेल प्रूफ और हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी पैराडाइम के साथ जिस तरह से हम लोग उसका अरेंजमेंट करते हैं, इसकी बात उनसे की और उनसे बार बार हमने रिक्वेस्ट किया कि यह हमारा नेशनल इवेंट है, यह राष्ट्रीय गौरव का विषय है और इस इवेंट के दरमियान हम सबको मिलकर ये जो हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है, जो हमारा पर्व है, इसमें जरा भी कोई डिस्टरबेंस ना होने दें। और इस बातचीत में संयुक्त किसान मोर्चा और तथा अन्य जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स हैं उनके साथ हम एक सशक्त और एक अच्छा संवाद बना पाए और इस नतीजे पे हम लोग इन प्रिंसिपल एग्री हुए कि जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है और उसके जो रैमिफिकेशंस हैं, जिसको कि हम कंटिंजेंसी रूट्स कहते हैं, जो मेडिकल इमरजेंसी के सिचुएशन में जिन हम रास्तों को हम यूज़ कर पाते हैं वो है, और इवैक्यूएशन का रूट है, और बहुत तरह की जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है इस सेलिब्रेशन को फेल प्रूफ सिक्योरिटी कवर देने का, उन सब बिंदुओं पर चर्चा करके और साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा और जो फार्मर्स हैं, जो उनकी इच्छा थी कि इसी दिन हम एक किसान रैली भी निकालें, और जब ये ट्रैक्टर रैली निकालें, और जब ये ट्रैक्टर रैली निकलने की बात सामने आती है तो उस रैली का सिक्योरिटी कंसर्न भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो रिपब्लिक डे का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो, वो मुकम्मल तरीके से फेल प्रूफ तरीके से जिस तरह से दिल्ली पुलिस हर पिछले दशकों से करते आई है उसको हम मेंटेन रखें, और साथ ही जो किसानों का, जो फार्मर्स का, संयुक्त किसान मोर्चा का, उनकी जो इच्छा ट्रैक्टर रैली के रूप में दिल्ली में आकर उसे निकालने की थी, उसको रेस्पेक्ट करते हुए दिल्ली के 3 जगहों से जहाँ पर वो दिल्ली के मुहाने पे जहाँ बैठे हैं, जो कि सिंघू बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है और गाजीपुर बॉर्डर है, वहाँ पर से उन्हें सीधे जो बैरिकेड्स और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हमारा लगा है वहाँ से उसे हटाकर उनको दिल्ली के अंदर उन मेन रोड्स पे कुछ किलोमीटर तक अंदर आएं, और आने के बाद जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन और रिपब्लिक डे सिक्योरिटी अरेंजमेंट का जो आर्टेरियल रोड्स जो रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा पहले उनको दाहिने बाएं टर्न कराकर एक रेस्पेक्टेबल स्ट्रेच, जो अगर उसको हम उसका आकलन करें तो करीब 63 से 64 किलोमीटर का स्ट्रेच टीकरी बॉर्डर से एंटर करने पर, और वही करीब 62-63 किलोमीटर का स्ट्रेच
जब हम सिंघू बॉर्डर से एंटर करते हैं तब, और गाजीपुर से जब एंटर करते हैं तो तकरीबन 46 किलोमीटर का जिस स्ट्रेच जो टोटल साइकिल है और जो एक्सपेक्टेड ट्रैक्टर्स की संख्या है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि ये जो सर्कुलेशन है ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो, इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है। और ये जो तीन सर्कुलेशन होगा इसको भी हम एक फेल प्रूफ सिक्योरिटी कवर किस तरह से देंगे और इस बात का आकलन भी करना और साथ साथ उनसे संवाद भी स्थापित करना कि जब ये ट्रैक्टर रैली होती है तो उसकी टाइमिंग, जब ये ट्रैक्टर रैली होती है तो वहाँ कैसे शांति व्यवस्था कायम रखी जा सके, कैसे उनको समग्र रूप से पूर्ण रूप से कैसे सुरक्षित रखा जा सके, जबकि इस ट्रैक्टर रैली को डिस्टर्ब करने के बहुत सारे इनपुट्स इंटेलिजेंस के थ्रू और वेरियस एजेंसीज के थ्रू ये बार बार आ रहे हैं। हम लोगों ने सोशल मीडिया एनालिसिस, एक प्रोफेशनल एनालिसिस के जरिए अगर एक नमूने के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताएं तो 13 जनवरी से 18 जनवरी का इस 7 दिन के एनालिसिस में जो फार्मर्स, ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो ट्रैक्टर रैली है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए या इसमें एक सेंसेशन पैदा करने के लिए या इसको डिस्टर्ब करने के लिए इसमें जितने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं और वो कॉन्टिन्यूअस इस पर काम कर रहे हैं ताकि एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो, एक वैमनस्यता की स्थिति पैदा हो। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए, और इसके अलावा और भी इनपुट है देश के बहुत सारे जगहों से, ये इनपुट है कि जिस समय में ये रैली होगी उस समय में हम उसमें कुछ गड़बड़ी पैदा करेंगे, उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करेंगे ताकि एक डिस्टर्ब सिचुएशन पैदा हो जाए और एक डिस्टर्ब परसेप्शन पैदा हो जाए। तो इसका भी ध्यान रखते हुए इस विषय पर भी उनके साथ एक सशक्त संवाद पैदा किया और जो ये एरियाज जो हमने डिसाइड किए ताकि इन जगहों पे एक हाई लेवल का एक फेल प्रूफ सिक्योरिटी, उन सिक्योर्ड वातावरण में, सिक्योर्ड माहौल में और सिक्योर्ड रूट पर उनकी ट्रैक्टर रैली को हम सफल तरीके से संपन्न करा पाए। इसके साथ ही चूंकि ये जब ट्रैक्टर की रैली होगी और जैसा कि हम जानते हैं कि जब 60-60 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर का ये जब स्ट्रेच होता है और खास करके जब डिफरेंट स्टेट्स का भी एरिया उसमें आता है, हरियाणा का या यूपी का, तो हरियाणा और यूपी के पुलिस अफसरों के साथ भी बैठकर इस पर चर्चा हुई कि कैसे ये कन्वीनियंट तरीके से ये हो पाएगा। और उसके बाद हम लोग इस नतीजे पर इन प्रिंसिपल पहुंचे हैं कि 26 तारीख को ही, जिस दिन वो इस ट्रैक्टर रैली को करना चाहते हैं उस दिन ही एक खास समय और एक खास तरीके से और जो एक प्रोफेशनल, एक संस्थागत व्यवस्था है इस तरह के रैलीज को होने देने का, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो बाइंडिंग्स हैं, बहुत तरह के डायरेक्शंस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, माननीय न्यायालय के भी उसमें डायरेक्शंस हैं, उन सब को हर बिंदु पर हम फॉलो करें ताकि हम नियम कानून को भी फॉलो करें, हम सुरक्षा का माहौल दें
उन लोगों से वॉलेंटियर्स लें, उन वॉलेंटियर्स के साथ एक जॉइंट तरीके से ये जो रैली है, इसका जो मूवमेंट है ट्रैक्टर्स का, इसको हम गाइड कर सकें, और जितने भी जो मैंडेटरी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि अपने आप में ये एक बहुत बड़ा अरेंजमेंट होगा, जैसा कि आप इस बात को समझ सकते हैं, और खास करके तब